भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो, पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की, हदीस नंबर 4451 में, जिसमें लिखा है कि आई वुड नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज अलाउड है क्या नहीं। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड, अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 22-23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए, उसमें से 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है, इसे कहते हैं 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजीपाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात, आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ, सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने कुछ नहीं सुने, मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीली दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेगा, देखेगा कि इंसान के पास चपटे दांत भी है और नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए नॉनवेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश, वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉनवेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉनवेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे। तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉनवेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई, वो बीच में से पूछते हैं
कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजीपाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर आप मछली देंगे दो महीना, अगर गोश्त देंगे तीन महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे चार महीना, अगर बकरी देंगे तो पांच महीना, अगर आप सुअर देंगे छह महीना, अगर आप परिंदे देंगे सात महीना, अगर डियर देंगे हिरन आठ महीना, और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना, अगर आप गाय जबा करेंगे एक साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे एक साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते हैं? नहीं नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया, उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है, पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20-27 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गए, आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में दो सेंसेस कम है, जानवर में पांच सेंसेस है, पेड़ में तीन सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पर आर्ग्यूमेंट इस एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में तीन सेंस है, जानवर में पांच सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट दो सेंसेस कम या दो सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा।